नमस्कार पीपल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट लेक्चर। वन शॉट नहीं होगा, इसे हम बोल सकते हैं क्विक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? क्विक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, वन शॉट बोल के टाइम आई थिंक हम कर लेंगे। ओके, अभी क्विक रिवीजन लेक्चर में हम लोग देखेंगे हम लोग ने क्या क्या सीखा पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सबसे बड़ा जो पावर रहता है एक्स का वो होता है 2। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जो है ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ये एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स के दो वैल्यूज, तो उसके दो वैल्यूज कौन से, एक उसका जो वैल्यू है वो अल्फा है और दूसरा जो उसका वैल्यू है वो बीटा है। अल्फा बीटा मतलब क्या, ये अल्फा बीटा है क्या? अल्फा बीटा जो है हम इसे कहते हैं, ये है हमारे रूट्स। छोटा लिखूंगा क्योंकि पूरा बोर्ड भर के हम लोग को शायद हम लोग को है ना ये करना है, क्या करना है, क्विक रिवीजन पूरा निपटाना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे रूट्स। तो अल्फा के हमारे पास एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कुछ तो, और बीटा की हमारे पास एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ। ठीक है, अगर ये जो ए है, ए का वैल्यू अगर 1 हो, इफ ए इक्वल टू 1, ए मतलब सबसे बड़ा जो पावर है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूरी नहीं है सबसे बड़ा पावर, कौन से भी इक्वेशन में अगर 1 हो, सबसे बड़े पावर का कोएफिशिएंट जो है अगर वो 1 हो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मोनिक पॉलीनोमियल। ये एक्स्ट्रा बात बताई मैंने जो लेक्चर में नहीं बताई थी, मोनिक पॉलीनोमियल, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे बढ़े थे, उसके बाद हम लोग बढ़े थे नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ टू फाइंड क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स ये हम लोगों ने सीखा था। कहाँ से सीखा था ये हम लोगों ने, इसके भी हम लोगों ने यही चैप्टर में सीखा था ऑफकोर्स भाई, पर हम लोगों ने कहाँ से सीखा था, कैसे, कैसे सीखा था इसको, चार तरीके से। पहला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा क्या, तीसरा मेथड क्या होता है, याद कर, CMS, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और जो फोर्थ वाला होता है वो क्या होता है हमारा, फॉर्मूला, श्री धाराचार्य फॉर्मूला, HD लिखूंगा। ठीक है, HD फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक्स है इन्हें हम एक एक करके कवर करेंगे और हमारा हो जाएगा क्या, चैप्टर खत्म। इतना ही है चैप्टर में, क्या फैक्टर क्या है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ये एक है, उसके बाद ये 2 है, और फिर क्या है, ये सब है। हाँ, इसमें आई एग्री कि वो लोगों ने क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इसका जो पावर है हाईएस्ट वो 1 रहता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लाइक एग्जाम्पल उसका क्या है अपने पास, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल हो गया, 2y plus 7 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी ले सकता है मैं। ठीक है, अभी 7 मेरे को पसंद है तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, ऐसे तरीके से कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों को जनरल फॉर्म बताया, ABC का वैल्यू। ठीक है, आपको तो ये तो आता ही होगा, ABC का वैल्यू निकालना रहता है। अभी एग्जाम्पल में आपको दिया है 5x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया, जो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा जो कोएफिशिएंट है ना, सबसे बड़ा सॉरी
सबसे बड़ा जो पावर है ना एक्स का, उसका कोएफिशिएंट देखने का वो हो जाएगा ए का वैल्यू। फिर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो गया, उससे एक कम का कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद सी का वैल्यू क्या हो गया, फोर हो गया। क्यों? क्योंकि सी जो है ये कॉन्स्टेंट है। ये कॉन्स्टेंट मतलब नहीं है आप, ये सी मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होता। सी हम लोग ने इसको देते समय जनरल इक्वेशन में लिखा है, ए बी लिखा है ना तो सी लिखा है ऐसा, समझा? ए बी के बाद सी आता है। फिर उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। फिर उसके बाद हम बढ़े किसके पास, 2.1 के साथ, 2.1 के पास। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम लोगों ने बेसिक्स देखा, हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो बुक ही उठाना पड़ेगा, हाउ दिख रहा है ना, हाँ हाँ, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब मैंने वो पहले एक सेकंड में ही बता दिया, सब कवर होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ये सब कौन सा, ए एक्स ए बी सी लिखो इसमें से, ठीक है, ये वाला। और फिर इसके बाद इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे जो रूट्स अगर दिया है, क्या अगर यहाँ पे एक रूट दिया हुआ है तो इसके हेल्प से एक अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सब। और यहाँ पे भी वो भी सेम ही है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या सीखा, 2.1 में हम लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इसको भूल दो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, इतना जगह की वेस्ट करने का मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बोलो, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हम लोग को है ना कोई भी एक, अरे हम लोग को है ना कोई भी एक ये दिया रहेगा, क्या इक्वेशन दिया रहेगा। अभी एक एग्जांपल ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी हम लोग को बोलेगा इसमें x का वैल्यू 1 डालो, देखो 1 डालो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, डालो 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 1 माइनस 4 नहीं कर रहा है ना, माइनस 1 डालो देखो हो रहा है क्या, माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3, नहीं 1 से होगा है, 1 से होना चाहिए, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1, अरे अच्छा माइनस 1 से होना चाहिए, चलो 5 ले ले, माइनस 5 से हो जाएगा, चलो देखो माइनस 5 ये 25, ये 20 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 5 ऐसा आना चाहिए, सॉरी ये हो गया इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आएंगे। ये मैंने उल्टा लिख दिया साइन थोड़ा, ये माइनस 5 इसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, ये देखो यहाँ पे एक्स का डाल माइनस का डाल 25 आया, यहाँ पे माइनस 20 आया और माइनस 5 आया, माइनस 5 माइनस 20 कितना हुआ, माइनस 25, 20 और 25 और 25 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू 5 एक इसका आंसर आया, और एक्स इक्वल टू 1 डालो वो भी आएगा, देखा है ना, आया कि नहीं, वेरी गुड। इस तरीके से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट, पर इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, कितना हम लोग सब्स्टिट्यूट करते बैठेगा यार इसको, अभी कहीं पे तो रुकना चाहिए ना, आपको पता था 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, सिर्फ इसमें 1 का ही वैल्यू आया, तो हम लोग को पता है अगर x का स्क्वायर रहेगा तो इसके पास यहाँ पे 2 रहना चाहिए, क्या 2 रहना चाहिए, इसका वैल्यू 2 रहना चाहिए ना x का। तो फिर क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, ऐसा 2 वैल्यू, एक वैल्यू तो मिल गया, अभी दूसरा वैल्यू कैसे, हम लोग 10 20 30 40 गए, मिला ही नहीं वैल्यू, फिर हम लोग नेगेटिव में आना चालू किए, तब जाके हम लोग को वैल्यू, हम लोग ने कितना मगजमारी किया 40 तक जाने के लिए, तो उसको हम लोग को नहीं करना है। इसके लिए एक मेथड निकाला गया, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एग्जांपल, अरे भाई क्या हो रहा है कुत्ते को, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐसा नंबर, पहले सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर आया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा 2 एरो बनाना है, ये एक एरो हो गया, ये एक एरो हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसा नंबर इसमें ढूंढना है कि हम लोग
इसमें मल्टीप्लाई करे तो -5x² बने और ऐड करे तो 4x², तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं भाई बताओ जरा, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जल्दी बता। 5 × 5 5x × 1x बराबर 5x × 1x पर नेगेटिव चाहिए, तो हम लोग 5x − 1x करेंगे तो 4x आता है, सही बात है। तो ये हमें मिल गया इसका फैक्टर्स। अभी इसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, x + 5 ये हो गया और x − 1, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आता है ना आपको, सिखाया तो था मैंने, ठीक है। अभी वापस बता देता हूँ फटक से, तो इसको कैसे करेंगे, x² + 5x − 1x, 1x को x भी लिख सकते हैं, −5 = 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा x + 5 बचा। अभी यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x + 5 बचा = 0। अभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो अभी यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ गया, वापस x + 5 कॉमन आ गया, तो x + 5 को मैंने वापस इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x − 1 बचा = 0। अभी यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, −5 है, और x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, ओके वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इन्हें हम कहते हैं फैक्टर, और ये जो वैल्यूज आई है इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन को सीखा था, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी, जावे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभी, फर्स्ट मेथड सीखा, फैक्टराइजेशन सीखा, फिर एक आए हमारे हमारे महान पुरुष जिन्होंने हमें क्या दिया, ये वाला मेथड दिया, कौन सा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके मैंने आपको स्टेप्स लिखाए थे, कितने स्टेप्स थे, टोटल 4 से 5 स्टेप्स थे, है ना। तो याद है क्या आप लोगों को, नहीं याद होगा, ठीक है, होगा जो पढ़ने वाला है उसको होगा, नहीं पढ़ने वाला है नहीं होगा उसको, या फिर अभी पहले ही बार तो आके देख रहे हैं यहाँ पे लेक्चर, इसके लिए तो याद नहीं होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ वापिस से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसके स्टेप्स आगे जाके लिख दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम लोग ये वाला देखेंगे, इसको स्किप मत करना, तब श्री धाराचार्य आपको समझेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज ये वाला आपका इक्वेशन है, x² + 4x − 5 = 0, ये आपका इक्वेशन है। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहता है, सबसे पहला आपका काम रहता है कि, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सबसे पहला आपका काम रहता है कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। x² का कोएफिशिएंट अगर 1 बन गया तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है, 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये 4 है। अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ना उसको अभी क्या करने का, हम लोग एड एंड सबट्रैक्ट, यहाँ पे नहीं उसको नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म आएगा इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या होगा, 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट ऑफ x 4 इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 × 2 = 4, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा, 4। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा मत समझो अगर यहाँ पे ये है तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा नहीं, ये नसीब से आ गया ये नंबर है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जो दिया है हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, ये वाला हमारा क्या है, इक्वेशन वन है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फोर इन इक्वेशन वन, ठीक है। जब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या जादू मिलेगा, देखना, यहाँ पे x² है, ऐसे का 1x² लिख रहा था मैं, ठीक है, x² है +4x है -5 है = 0 है, ठीक है। पर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, +4 भी करना है −4 = 0। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो जरा, देखो ये वाला नहीं, सॉरी यहाँ पे है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ और इसको है ना इस तरफ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा +4 − 5, ठीक है। मैंने जस्ट जगह चेंज कर दिया और साइन चेंज कर दिया, ठीक है, क्यों,
क्योंकि भाई मैंने मतलब थोड़ी ना बदला एक्सप्रेशन का, मैंने सिर्फ ये सिंपल दिखने चाहिए आपको इसके लिए किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो जो IITian सोचता है वो बता रहा हूँ। अभी क्या यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला है आपका क्या है दिख रहा है, देखो x है, इसका स्क्वायर है, प्लस 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर x है, एक्स स्क्वायर 2x, फिर ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ए बी, और फिर इसका ये कौन सा है कि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। कुछ दिखा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हमेशा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बनेगा, समझा, हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही बनेगा। ओके, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी द, नहीं ए माइनस बी हाँ बन सकता है अगर ये नेगेटिव होगा तो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसका स्क्वायर बना दो, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर था, टू स्क्वायर था और टू इंटू ए बी था, बराबर, तो एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नाइन इक्वल टू जीरो हो गया, सही बात है। अब यहाँ पे एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, माइनस नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पता है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये देखो हम लोग को यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ये पूरे टर्म को आप कुछ तो कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो, ए कंसिडर करो, इस टर्म को बी कंसिडर करो, ठीक है, ये वाला ए भी नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, अभी बनाओ ये फॉर्मूले में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू लिखो सबसे पहले, ए का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, देखो क्या हो गया, एक्स प्लस फाइव बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दो वैल्यूज है इसकी, एक्स माइनस फाइव है और एक अच्छा है वन हमारा। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यस। इस तरीके से हम लोगों ने जो थर्ड वाला पार्ट था उसे पढ़ लिया है। अभी हम बढ़ेंगे फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग, फॉर्मूला एफ गायब कर दिया, फॉर वाला, ठीक है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, किसमें, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये नाम से, पर निकाला है इसने श्रीधराचार्य ने, ठीक है, तो मैं यही नाम लेता हूँ हमेशा, मेरे को ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो जाके देख लो आप, समझ जाएगा मैंने क्या क्या बोला था, लेक्चर नंबर 7, ओके। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो मेथड है ना, इसमें भी सेम इसके जैसे ही करना रहता है। अच्छा, इसका स्टेप्स बताना भूल गया, तो मैं इसका स्टेप्स आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बता ही दिया था वैसे, पर फिर भी लिख दूंगा, ठीक है, आपके लिए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, अभी x का है ना, अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके दो वैल्यूज होंगे, कितने, दो वैल्यूज, तो एक का जो वैल्यू होगा वो, एक का जो वैल्यू होगा वो अल्फा होगा, एक का वैल्यू बीटा होगा, सही बात है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, श्रीधराचार्य हमें एक फॉर्मूला देते हैं एक्स के दो वैल्यूज के लिए, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये जो फॉर्मूला ये हमें दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य जी ने, और इसमें अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये भी बताया उन्होंने, और बीटा का वैल्यू भी बताया, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और वाइस वर्सा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप अल्फा को ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, या फिर इसको बीटा बोल सकते हो, आपको रूट से मतलब है, सही बात है। तो ये जो फॉर्मूला था ये हमें श्रीधराचार्य जी ने दिया है, और कैसे दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया, कैसे, उन्होंने इसी फॉर्मूले को क्या किया, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करके वो जो है ना निकाला है, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, 20 मिनट हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी फॉर्मूले को उन्होंने मैनिपुलेट करके क्या किया,
अच्छे तरीके से बनाया, बता दूं क्या कैसे, या फिर आप लेक्चर देख लो आपको समझ जाएगा। मैंने एक अलग से इसके ऊपर बनाया लेक्चर नंबर 7, वो 12 मिनट का वीडियो है। इसमें क्यों 12 मिनट डालू मैं, है ना, वैसे जगह भी बहुत कम है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, 25 मिनट का बन जाएगा मेरे हिसाब से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, ठीक है। तो उसके स्टेप्स टू सॉल्व, नहीं, स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है, पहला स्टेप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, इट इज मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1। फिर उसके बाद दूसरा जो है हम लोग को क्या बोलते हैं, अप्लाई फॉर्मूला हाफ, अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग को थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमें, थर्ड पॉइंट बोलता है कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद एड एंड सबट्रैक्ट, एड एंड सबट्रैक्ट दी वैल्यू यू गॉट फ्रॉम, किसमें से, इसमें से वैल्यू, क्या वैल्यू, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका इससे जो भी वैल्यू आई इन मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन इसमें रे भाई, इसमें एक्स स्क्वायर वाले में, ठीक है ना, क्या लिख दूं, इक्वेशन वन। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है हम लोग को, नाउ यूज फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, लिख दूं क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड देन अगेन यूज कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करो। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्या किया हम लोगों ने, ये वाला किया, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, उसके बाद देन फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन लेक्चर जो है कंप्लीट किया। अभी फटाफट आप ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्विक रिवीजन लेक्चर, ठीक है, वापस एक बार, सबसे पहले 1 2 3 गो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे आज सबसे पहले, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर यहाँ पे ए इक्वल टू वन हो गया तो इसे हम कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, चाहे एक्स का कुछ भी पावर हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो x के वैल्यूज है, x square मतलब x के दो वैल्यूज आएंगे जिन्हें हम कहते हैं अल्फा और बीटा, ये क्या होगा हमारा, चार तरीके से सॉल्व हो सकता है, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और चौथा मेथड जो होगा वो कौन सा, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसमें अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते थे, पर कब तक हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इसके बचने के लिए हम लोग ने क्या निकाला, फैक्टराइजेशन निकाला। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे, हम लोग इक्वेशन को इस तरीके से लिखते थे कि ये जो लास्ट ए और सी वाले जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये वाला टर्म आना चाहिए, और उनको ऐड करने पे जो बीच वाला बी का कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो वाला आना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे यहाँ पे फैक्टर्स बना के उसका रूट्स निकाल लेते थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते थे, इस चीज को पूरा मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था उसको 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर,
उसके बाद एड एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू यू गॉट फ्रॉम हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन, जो मेन इक्वेशन है जिसमें वन किया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को, ठीक है। उसके बाद नाउ यूज फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर, और उसके बाद यूज फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फैक्टर्स बनाओ और उन फैक्टर्स को वापस हम लोग क्या करेंगे, रूट्स में बदल देंगे। श्री धाराचार्य गिव अनदर फॉर्मूला टू अस इन द टेक्स्ट बुक, इट इज रिटन एज फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर मीन्स टू वैल्यूज विच इज अल्फा और बीटा, सो ही गिव एन कंक्लूजन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ओके। हियर ही ऑल्सो टोल्ड दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए, ऑल्सो ही गिव द वैल्यू फॉर बीटा विच इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए, ओके। यू कैन राइट दिस वाइस वर्सा, यू कैन राइट हियर अल्फा विच कैन ऑल्सो बी माइनस बी माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट बीटा हियर एंड यू कैन राइट माइनस बी प्लस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए। दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द होल क्विक रीजन लेक्चर एंड थैंक यू, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, वेरी गुड, नाउ हैव अ नाइस डे, ओके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।